हेलो फ्रेंड्स, हमारा मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कैप्सूल्स इजरा D40 के बारे में और उसका बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, यूजेस यानी कि डोज के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैप्सूल्स इजरा D40 10 कैप्सूल्स पैकिंग सेट में आता है और ये टोरेंट फार्मा कंपनी का है और इसका MRP 146 रुपीस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैप्सूल इजरा D40 की बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे के बारे में। अगर आपको एसिडिटी का समस्या है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक का समस्या है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो भी आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको GRD का समस्या है यानी कि एसिड डिफ्लक्स का समस्या है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको स्टोमक पेन है यानी कि पेट दर्द है तो आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको एंटल गैस्ट्राइटिस है तो भी आप इस मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैप्सूल्स इजरा D40 की साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव के बारे में। डायरिया हो सकता है यानी कि दस्त हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है यानी कि कब्ज हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकता है, मतली हो सकता है, हेडेक हो सकता है यानी कि सिर दर्द हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कैप्सूल्स इजरा D40 की यूजेस के बारे में यानी कि डोज के बारे में यानी कि सेवन के बारे में। अगर आप 18 साल का है तो आप एक कैप्सूल करके सुबह खाली पेट में ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।